अब का रिकॉर्ड टूट जाएगा, देखते रह गए हाजी और काजी दोनों देखते रह जाएंगे। भाई मैं हरी सलाह बताया हूँ, वो कांग्रेस को वोट दिए मैं ही कहा गया। हाजी पहले बना ढाई साल अब बन गया, एक काम बता दो काम क्या लगता है आपको? पूरे भाई पूरी विधानसभा में हम जब भी देखें भाजपा जीतती नहीं है, कहाँ जीत नहीं, मंगलोर विधानसभा तो जीत नहीं पाती। अच्छा हाँ, वो गांव में से कह रहे हम, गांव में से इस गांव से तो आप जीता दोगे। हाँ। हाँ। पूरी विधानसभा कैसे जीतेंगे? आपका जीतेगी, आपका जीतेगी जी, आपका जीतेगी, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा, ये आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा, देखते रह गए हाजी और काजी दोनों देखते रह जाएंगे। कैसे आप ये बताओ, जब वोट देगा वैसे जीतेगा, वैसे जीतेगा जी जानता, बहुत दिन हो गए जब निशंक बना था, अब तेज बाल बना, हर बाल साथी बना, कुछ नहीं कराया, शेयर आया मगरमच्छ आपका नेता सगा सबको काजी और राजी उतर लोगों कल वो का है था। अगर बक्स कौन है? मगर मची आया ये क्या ना करतार सिंह बनाना शेर समझ लो। हाँ। मैं लखम था भाई हिंदी में जाना, हम तो ये आप हिंदी में बताओ आपका दल नगो निकल जाएगा। किसको किसको? हाँ काजी को राजी को। कल शर्मा का था हरी सलावत ना शर्मा, भाई मैं हरी सलावत आया हूँ, वो कांग्रेस को वोट दिए मैं ही कहा गया। हाँ वही कहा ना शर्मा, एक बात बताओ। अरे ऐसा कौन सा आधार है जिसपे वोट इन्हें मिल जाएगा करतार जी को और करतार जी जीत जाएंगे? वोट तो पहले भी देते आ रहे हैं आप लोग। मैं सुनो क्यों नहीं कर रहे इन्होंने काम, आप तो वोट तो पहले भी देते आ रहा है, फिर भी बीजेपी का बंदा तो जीतता नहीं आया था, सकोत्री में बनाया भेजा था और घर घर फिरा रहा है, उसको भी पाँव पकड़ता गया, पाँव पकड़ता और कहते बनाया आगे बन गए, एक बिंदी नहीं आ। जब तक इस सीट का परिसमन नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा, जीत नहीं पाएगी बीजेपी, जीत पाएगी बीजेपी, जीत को नहीं पाएगी बीजेपी। का जीतने का कोई समीकरण बता दो हमें, कोई भी आप बता दीजिए, कोई भी ऐसा कोई समीकरण बता। एकजुट हो रहा है आपको, हिंदू एकजुट हो रहा है। हाँ मजदूर भी हिंदू कितने हो सब बढ़ाऊ। मेरा ये कहना है कि भाई अभी तक जो है ये देखा गया कि कई बार हाजी जी के परिवार का, काजी जी के परिवार का, काजी जी ठीक है जी, यही होता आया लगातार। इस बार ऐसा कौन सा समीकरण आप लोग बना देंगे कि करतार सिंह भड़ाना जीत जाएंगे? अब कब बनेगा? वो भी करतार सिंह के हैं जैसे, वो मर गया। हाँ भाई वो भी सब काजी के पास, काजी के पास कुछ नहीं है, मूत नहीं है, जाता है काजी जी के पास ही बहुत सारे हिंदू वोटर्स जो जाते हैं और वोट का नुकसान होगा ना, ये सभी है कैसे कैसे कितना नुकसान होगा भाई, काजी को कितना नुकसान होगा? आप लोकसभा में 21,000 से सिर्फ वोट मिला तो कौन से आधार पर आप लोग चुनाव बीजेपी सामने आओगा इसका पार्टी से? हमें तो अपने कहा था, मत बोलो अपने कहा था, गांव से कोई मतलब नहीं, गांव से क्षेत्र का मतलब है, मोगलो विधानसभा से मतलब है। अगर वो विधानसभा पूरी जीतते तो अभी तो फायदा हो बीजेपी का, कह रहा हूँ पूरी विधानसभा कैसे जीतेंगे भाई आप लोग? भाई वोट देंगे से जीतेंगे, इतना कड़ा वो नहीं मिला था कैंडिडेट, अब का मिल गया, अब कहीं दिखा देंगे खेल। जी काजी को भी देख लिया, आजी को भी देख लिया, इस बार हम इनका समर्थन करेंगे, इन्हें जिताऊंगा। बाकी सभी लोगों का समर्थन मिल जाए, देखिए कई बार क्या होता है, मतलब आप लोग समझते होंगे कि कभी भाई कभी जाट नाराज कभी गुज्जर नाराज, ऐसे ऐसे देखिए जाट ना गुज्जर हिंदू सब भाई एक होकर आए ना तो जीतेगा। ये भड़ाना जीतेगा ठीक है, तो आप क्रॉस को लगा रहे कि क्यों जीतना, क्या कारण है, क्या कारण बताएंगे तभी तो समझ में आएगा। हाजी देख लिया, अरकाजी देख लिया, हाजी देख लिया, अरकाजी देख लिया, क्या क्या हुआ बता दे, उस बात को उठाओ ना। अब की बात देखा गए बटाला जी को, कई सालों से कई योजनाओं से हाजी भी चल रहे हैं और काजी भी चल रहे हैं, ठीक है, काजी भी चल रहे हैं, हाजी भी चल रहे हैं, अब 2 साल की योजना बची हुई है, 2 साल की योजना में भड़ाना जी आए हैं, इनको देख लेते हैं भड़ाना जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, भड़ाना जी ठीक काम करते हैं तो आगे होंगे, नहीं तो होंगे। ये वाली बात बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल बात सही है कि 2 साल देख लेते हैं, 2 साल में ठीक नहीं हुआ तो फिर बदल देंगे, इसे बदल देंगे भाई, बस मुसलमान भी वोट दे रहे हैं भाजपा को, भाजपा को वोट दे रहे बिल्कुल,
हमने कहीं कहीं सरदो पास कर ली, भाजपा वोट दे रहे हैं, हाँ छत्तीसगढ़ से भी वोट दे रही है। तेरे भाई मर तेरे मन अंदर होगा कुछ नहीं होगा, अंदर है तेरे भाई मर तेरे, तो अब कैसे देखेंगे? मैं बता रहा था, मैं फरजाबाद का, यहाँ मेरा जन्म हुआ करम फरजाबाद में, मैं इनको जानता हूँ। अच्छा, वही नौकरी करी, ये कितना काम करते हैं समझे, ये पैसे पे नहीं मरते, पैसा इन पर बहुत है, इन्हें जेब मन चाहिए समझे, इन्हें तो खर्च करने को चाहिए। नहीं, क्या आपने बोला इनको जेब मन चाहिए, ये नुकारे काम करवाना है ना, इन्हें जेब मन चाहते, पैसा इन पर इतना है, अपना निजी पैसा इतना है, ट्रक भर के नोटों के रोज आते हैं, तो ये सरकार का पैसा नहीं खाने खाने वाले। खाता कौन है? खाया नहीं, दो साल में क्या करवाया क्षेत्र की खैर रखा है, अभी तो क्षेत्र की तरक्की नहीं हुई, आदमियों में इतनी गर्मा गर्मा नहीं आया। बता दो हाजी, पहले बना ढाई साल अब बन गया, एक काम बता दो गाँव में आपको पता है किस किसके मतलब किसको वोट वोट देना पता? बताऊ मंगलौर विधानसभा में एक गांव, अब इस गांव की बातें आपको समझ में आई होंगी, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं और हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव, उस पर्सपेक्टिव को समझिए, सुनिए, देखना यह होगा कि इस बार के इलेक्शन में क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ नहीं बदलता है। अगर कुछ बदलने की संभावनाएं आपको लगती हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।